आप डालो तो मैं स्टडी रिलेटेड इसी मोबाइल से इसी फोन से मैं इसी चैनल में यही स्टडी रिलेटेड वीडियोस डालूंगी और आर्ट रिलेटेड वीडियोस भी कभी कभी डालूंगी और स्टडी रिलेटेड वीडियोस भी कभी कभी सो टॉपिक स्टडी रिलेटेड वीडियोस अब आप सोचोगे कि मैं आज क्या लाऊंगी आज मैं आपसे इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगी मेन टॉपिक इज डिफिकल्ट वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स कैसे हम करें हम कैसे निकालें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर का नेम पढ़ना है चैप्टर के नेम में जो आपको नहीं समझ आ रहा है मतलब समझो मैनेजिंग मैनेज करना फायर को आग को और ट्रेजिटीज ट्रेजिटीज का मतलब हमें नहीं पता है तो हम गूगल से भी आपको मैं आपको गूगल से भी सर्च जैसे करते हैं तो वैसे मैं आपको करके भी दिखाऊंगी सेफ्टी सेफ्टी अपनी करना सेफ्टी होता है नॉम्स नॉम्स का फ्लूटेड एक्सेप्ट मीनिंग नहीं पता है इम्यूनिटी विद इम्प्यूनोटी इसका मीनिंग अगर आपको पहले चैप्टर के नेम में ही नहीं समझ आ रहा तो आगे कैसे समझ आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ ये आपको कह रही हूँ कि

चिल्ड्रन तक मेरे को पढ़ना यहां हाँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या समझ आया इस पैराग्राफ को पढ़ के फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये समझ आया आफ्टर पहले एक्सटेंशन का मतलब मेरे को नहीं पता है ग्यारह एक्सटेंशन uh, जो भी मतलब होता होगा दी वन एक मैन ने मैन मतलब आदमी कमीशन देती थी कमीशन लेती रहती थी जो भी कमीशन होती है उनकी अगर ये काम करोगे तो हम ये कमीशन देंगे तुम्हें आपको ये कमीशन देंगे ऐसे ये देंगे ये देंगे ऐसे ही बोलते हैं ज़्यादा देंगे पैसे तो वो कमीशन कहलाता है ज़्यादा पैसे लेना एंड ये सब देना कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ करके देना कमीशन ही कहलाता है हैडेड उसके ऊपर हैडेड होती है ये सब चीज़ें हैडेड होती हैं आज जस्टिस जस्टिस का मेरे को मीनिंग एग्जैक्ट नहीं पता है तो मैं आपको नहीं बताऊँगी गर्क बिल्कुल नहीं बताऊँगी टीपी गर्क उसका टी पी गर्क नाम है नेम है टी पी गर्क आर ई टी आर ई टी डी ब्लैकेट में इस फाइनली फाइनली जो फाइनल कर देते हैं रेडी हो जाते हैं फाइनली एकदम रेडी हो जाते हैं मतलब एकदम तैयार हो जाते हैं विद इट रिपोर्ट रिपोर्ट जैसे आप यूट्यूब में करते हो रिपोर्ट किसी को कि ये चाइल्ड की वीडियो नहीं है साइड में थ्री डॉट्स आते हैं उस पर क्लिक करो तो रिपोर्ट पे करते हो चाइल्ड नो टैल वीडियोस एबूशिंग ऐसे ही साइड में आता है इसी टॉपिक पे रिपोर्ट वो लोग कर देते हैं कि कोई भी दिक्कत होती है तो उन्हें रिपोर्ट कर देते हैं उनकी गलतियाँ बता देते हैं ऑफिसर को जो भी ऑफिसर होता है मेन होता है उसे बताते हैं उसको कमेंट सेक्शन में नहीं कमेंट करते एंड ऑन ऑन कौन मीनिंग एग्जैक्ट मुझे ये भी नहीं पता फायर ब्रस्ट वो करना या नहीं आ रहा फायर आग होती है फायर मतलब आग होती है ट्रेजिडी देखो मैंने कहा था ना ट्रेजिडी इसी टॉपिक पे मैंने डिस्कस किया था तो उसी का मीनिंग अगेंस्ट वाला आ गया है मीनिंग दी कंट्री कंट्री हमारी कंट्री का तो सबको ही पता होता है, है सीन सीन कर रहे थे सब देख रहे थे सीन का बन जाता है तो उसे सीन कहते हैं थर्टीन ईयर्स एगो थर्टीन ईयर्स बोलता तो हमारा मतलब थर्टीन ईयर्स हो, होने वाले हैं और एगो बोला है तो हमारा हो गए हैं एगो मीन्स हो गए हैं एगो मीन्स हो गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसलिए मैं हाईलाइटर से नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है जल्दी मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग भी कर दूँगी एंड इसमें भी यूज़ कर लूँगी और डिवर्सटिंग का मीन्स नहीं पता है फायर मतलब आर ड्यूरिंग पहले एंड एनुअल एनुअल स्कूल होते हैं एनुअल फंक्शन होते हैं जैसे तो अप्रैल में होते हैं एनुअल फंक्शन बड़े बड़े होते हैं फिर खाने पीने की सारी चीज़ें होती हैं एंड डांस भी होता है बहुत चीज़ें एक्टिंग ड्रामा सब कुछ होता है सिंगिंग विंगिंग सब कुछ होता है जिसमें पैन एंड बहुत ही मज़ा आता है एनुअल फंक्शन में एंड मैरिज मैरिज हो जाती है पैलेस में पैलेस में मैरिज होती है किसी किसी की दब वाली टाउन सिरसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा में किल मार देना वहाँ मार देना पैलेस में दब वाली सिरसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में उसमें मार देना एंड गूगल पे मैं आपको सर्च करके मैं आपको दिखा देती हूँ शेयर कर देती हूँ कि कैसे सर्च करते हैं इसके मीनिंग बहुत सारी मीनिंग एंड आपको इस तरह की नोटबुक जरूर रखनी चाहिए मेरे पास कोई स्पेशल नोटबुक नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत पहले की है दो हज़ार उन्नीस की और मैंने सारी नोट्स मतलब ये पहले से ही लिख लिए हैं पेंसिल से एंड हिंदी में यहाँ लिख लूँगी पर तो बल ये बहुत ही ऐसे ही पड़ा हुआ था तो इसका भी यूजेस करना चाहिए तो हम मैं इसका ही यूजेस करूँगी तो मैंने लिख लिया है ऐड कर लिया है सारे ही नेम्स एंड ये देखिए सारे ही मैंने नेम्स हमने कर लिए थे एंड लिख लिए हैं आपको इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं लिखना मीनिंग ऑफ लिख देना है जो मैं लिख रही हूँ एंड मेल्स जो भी आपके बुक में वर्ड है डिफिकल्ट मैं आपको सिखा चुकी हूँ और वही आपको आगे लिख देना है और वही आपका मीनिंग निकल के आ जाएगा तो आप अपना डिस्कस कर लीजिए एंड कॉपी में लिख लीजिए जो भी आपको करना है एंड आप कर सकते हैं तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना एंड बेल आइकन आल्सो फॉर ऑल न्यू वीडियोस अपडेट्स थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय